मैनपुरी आना हुआ है आपका आगरा से, जी क्या जिम्मेदारी रही है और किस तरह का रिस्पॉन्ड मैनपुरी की जनता से आपको मिलना है? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार मैं मैनपुरी में हमारी सबके नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये पूरा समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चल रहा है और यहाँ से प्रत्याशी भाभी जी डिम्पल यादव जी हैं, निश्चित ही वो लाखों की संख्या में जीतने जा रही है। और मैनपुरी की चाहे जसवंत नगर हो, चाहे करहल हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे भोगाम हो, किसनी हो, पांचों विधानसभा लाखों की संख्या में जीतेंगे हम लोग। मैनपुरी में डिम्पल यादव प्रत्याशी हैं जी, और जिम्मेदारी दी गई तमाम नेताओं को जाति समीकरण को साधने के लिए, तमाम जाति के आधार पे नेता आ रहे हैं, जैसे आप बघेल समाज को रिप्रेजेंट करते हैं तो बघेलों को साधने के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है। जी जी, तो क्या लग रहा है कि आपके ही लोग कुछ नाराज भी हैं जो पार्टी के साथ इत्तेफाक नहीं रखते, ऐसे में किस तरह से साधने का काम करेंगे? नहीं नहीं नाराज की बिल्कुल नहीं है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे स्टार प्रचारक के रूप में जिम्मेदारी दी है, मैं उस बखूबी से उसको जिम्मेदारी से निभा रहा हूँ। जहाँ जहाँ आदेश होता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं पहुँचता हूँ, और मैनपुरी में पाल बघेल समाज 90 से 95% 96% वोटिंग करने जा रहा है, निश्चित ही पार्टी के साथ है, पहले से ही साथ है, और कोई भी हम लोगों में नाराजगी नहीं है। और पार्टी पूरी तरह से भी जानती है कि पाल बघेल समाज बहुत सीधा समाज है और मैनपुरी में हमेशा पार्टी का साथ दिया है। करहल विधानसभा से एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, काफी बड़ी संख्या में बघेल समाज के लोग एसपी सिंह बघेल के साथ। एसपी सिंह बघेल चुनाव करहल विधानसभा से लड़े हैं, लेकिन नतीजा क्या हुआ वहां भी पाल बघेल समाज को भी पता था कि यहाँ एसपी सिंह बघेल नहीं जीतेंगे, इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ थे और निश्चित ही अपनी जीत हुई, समाजवादी पार्टी की जीत हुई। समाजवादी पार्टी आपने कब ज्वाइन किया? मैंने समाजवादी पार्टी 26 तारीख को ज्वाइन किया है, 26 तारीख इससे पहले 26 फरवरी को ज्वाइन किया। इससे पहले आप बसपा में? मैंने लोग विधानसभा का चुनाव बीएसपी से लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी में जिला पंचायत अध्यक्ष था, और 2022 का चुनाव बीएसपी से लड़ा जो 1 लाख वोट पाया पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में 1 लाख वोट सबसे महत्वपूर्ण वोट और पहली सीट है जो 1 लाख वोट एतमापुर विधानसभा से राकेश बघेल लेके आए। देखो समाजवादी पार्टी एक हर वर्ग की पार्टी है और हर वर्ग की पार्टी के साथ साथ श्रद्धेय नेताजी का आपने प्यार दुलार देखा होगा, और जिस तरीके से प्यार दुलार के साथ उनके बेटे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का उसी तरीके से प्यार है, हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले हैं। मैनपुरी नहीं, मैं मैनपुरी में बैठा हूँ इस समय, मैनपुरी ही नहीं पूरे प्रदेश में आप 80 लोकसभा सीटों पर भी आप देख रहे हैं, हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी डिम्पल यादव मैदान में, वहीं उनका पूरा कुटुंब पूरा परिवार प्रचार में आया, डिम्पल की बहन भी प्रचार कर रही है, वहीं उनकी बेटी अदिति भी प्रचार में जुटी है। क्या लगता है मैनपुरी जो गढ़ था कहीं ना कहीं उनको डर है कि मैनपुरी सीट जा सकती है? ना ना ऐसा कुछ नहीं है, आपने देखा होगा राजनाथ सिंह के पर्चा भरने के बाद राजनाथ सिंह के बेटे प्रचार में है, राजनाथ सिंह का पूरा परिवार प्रचार में है, ऐसा नहीं है कि डिम्पल जी यहाँ चुनाव लड़ रही है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरा परिवार लगा दिया, हर प्रत्येक प्रत्याशी का पूरा परिवार लगता है, इसलिए चाहे समाजवादी पार्टी चाहे भाजपा चाहे बसपा जहाँ जहाँ आप देखेंगे प्रत्येक लोकसभा पर देखेंगे परिवार चुनाव लड़ाता है, पूरा हमारी जो समाजवादी पूरी समाजवादी पूरा परिवार है और निश्चित ही पूरा परिवार मिलकर चाहे वो हर वर्ग की बात करता हूँ, हर वर्ग का हमारा परिवार है, परिवार ही चुनाव लड़ा रहा है, निश्चित ही हम लोग चुनाव जीतेंगे। पहली बार मैनपुरी जब से समाजवादी का गठन हुआ है पार्टी का तब से समाजवादी मैनपुरी सीट कभी नहीं हारी है, पहली बार भाजपा ने एक कद्दावर मंत्री को मैदान में उतार कर पूरी तरह से मन बना के फेर मारने की पूरा प्रयास किया। जयवीर मंत्री, जयवीर मंत्री को आप किस तरह का प्रत्याशी मानते हैं और कितना आपको ये चुनौती खड़ी कर सकते? मुझे नहीं लगता आपके चैनल के माध्यम से आपने कद्दावर शब्द कहा है, पर लेकिन यहाँ जनता एक छोटा सा कार्यकर्ता
और वोटर्स की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक वोटर पे एक ही जवान है कि मनी डिंपल यादव जी। तो कोई कद्दावर नहीं है यहाँ, कद्दावर आप देखेंगे, कद्दावर सब लोग आपने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो कद्दावर कहते थे, नाम लूंगा तो आप बहुत लंबी लिस्ट है, वो सब हारे हैं। कद्दावर शब्द लेना अपने आप में अपने ईगो स्टेक है, तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जयवीर सिंह कोई कद्दावर नेता नहीं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि यहाँ से लाखों की संख्या में, पाँच जिस दिन आप काउंटिंग करेंगे देखेंगे तो 5 लाख वोटों से माननीय डिंपल यादव जी जीतने जा रही है।